बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अफ्ताह अमीना सर जी डी। नेक्स्ट हमारे पास सिंथेटिक डिवीजन, सिंथेटिक डिवीजन इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग कोशेंट एंड रिमाइंडर व्हेन अ पॉलीनोमियल इज डिवाइडेड बाय लीनियर पॉलीनोमियल। एक पॉलीनोमियल दिया गया है, उसको डिवाइड जब हम करते हैं, कोई भी पॉलीनोमियल है, उसकी डिग्री 4 हो सकती है, 3, 2, 4, 5, 6 जितनी मर्जी डिग्री ले लें, तो उसको जब किसी लीनियर पॉलीनोमियल पर डिवाइड करते हैं ना, उससे हमें क्वेश्चन मिल जाता है और रिमाइंडर मिल जाता है। तो ये तरीका हम किससे करते हैं, सिंथेटिक डिवीजन से। तो मैं इधर एक एग्जांपल लेता हूँ और वहाँ से सॉल्व करके दिखाता हूँ किस तरह से करना है उसको। ये हमारे पास एक छोटी सी एग्जांपल है जी। इस एग्जांपल में हमें सिर्फ इतना कहा जाता है कि आपने क्या करना है, फाइंड क्वेश्चन एंड रिमाइंडर, ठीक हो गया। तो इधर व्हेन अ गिवन पॉलीनोमियल इज डिवाइडेड बाय लीनियर पॉलीनोमियल, एक पॉलीनोमियल में दे दिया गया एक्स 4 - x² + 15 और इसको हम लीनियर पॉलीनोमियल के साथ डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी एक्स की वैल्यू की, तो मैं इस एक्स प्लस वन जो लीनियर दिया गया इसको मैं जीरो की क्यों रखता हूँ, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाली -1 आ गई, ठीक हो गया। तो यहाँ पर इन सब के कॉफिशेंट ले लेते हैं, इसका एक्स 4 का कॉफिशेंट लिया 1 आएगा, एक्स 4 के बाद एक्स डायरेक्ट एक्स स्क्वायर आ गया, बीच में एक्स क्यूब नहीं है, तो उसकी जगह मैं 0 ले लेता हूँ। फिर एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट लिया, वो -1 आ गया। अब एक्स स्क्वायर के बाद एक्स आना था, फिर कांस्टेंट आना था, तो कांस्टेंट था ही नहीं, उसकी जगह मैंने एक्स नहीं था, उसका कॉफिशेंट 0 बना लिया, तो 15 कांस्टेंट को वैसे लिख लिया। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, -1 इसको वैसे लिख लिया, फर्स्ट वाले को नीचे ले लिया इस तरह से। अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया इसके नीचे लिख लिया, -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -1 आ गया, इसको लिख लिया। फिर इन दोनों को ऐड किया तो -1 नहीं आएगा, -1 को -1 मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, तो 1 इसके नीचे लिख लिया। -1 + 1 ऐड करने से आंसर 0 देता है हमें। अब 0 को जब -1 मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा, 0 पहले 0 नीचे, 0 को ऐड करें तो 0 ही आ जाता है। फिर 0 को -1 मल्टीप्लाई करें 0 आ गया, तो 15 को 0 में ऐड करें तो 15 ही आता है हमारे पास। तो यहाँ पर हमें दो चीज़ें मिलती हैं, यहाँ से मिल गया हमें कोशेंट और यहाँ हमें रिमाइंडर। कोशेंट कैसे मिलता है देखें, 1, 2, 3, 4 टर्म माननी हमारे पास। सबसे पहले हम देखें 4 टर्म माननी था, सबसे पहले 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, 0 इसका कॉन्स्टेंट है, फिर उसके बाद एक्स आता है, तो एक्स वाला मैंने साथ लिख दिया। इसकी कोई एक्चुअल वैल्यू नहीं, नाम भी लिखे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ तक, क्योंकि ये 0-0 हो गया सारा। तो इससे नेक्स्ट हमारे पास था, इसको मैंने एक्स स्क्वायर बना लिया, ठीक हो गया, और ये माइनस और लास्ट वाले को एक्स क्यूब, क्योंकि इसका कॉफिशिएंट 1 है, इसका कॉफिशिएंट -1 वैसे लिख लिया। और यहाँ पर इसका रिमाइंडर जो बचा वो हमारे पास क्या बचा जी, इसका 15, ठीक हो गया। तो अब तक के लिए इतने काफ़ी है, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।